हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा DIY किड्स टीवी। यू वॉन्ट बिलीव फ्रेंड्स, मेरे पास ये बॉक्स पड़ा हुआ था मैंने दिवाली से इसे संभाल के रखा हुआ था कि मैं इसका कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ अलग सा बनाऊंगी। एंड फाइनली टुडे इज़ द डे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ किड्स टीवी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये जो TLM आप देख रहे हैं ये है क्लास 1 के बच्चों के लिए या प्री प्राइमरी किड्स के लिए। तो ये TLM बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बच्चों को बहुत ही क्यूट लगेगा और बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको देखेंगे भी और सीखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो एक्स्ट्रा फ्लैप्स निकले हुए हैं इनको मैंने कट कर दिया है ताकि हमारे TLM में कोई दिक्कत ना हो इसको मूव करने में या इसकी मैकेनिज़म में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड इसके बाद हम इसे जो है कवर कर देंगे चार्ट पेपर से। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड कलर का चार्ट पेपर क्योंकि मेरे पास इस समय यही अवेलेबल था। आप चाहें तो डिफरेंट कलर के चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्काई ब्लू कलर से यूज़ कर सकते हैं और एक स्काई वाली थीम दे के भी ये TV आप बना सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर रेड कलर का चार्ट लिया है क्योंकि मेरे पास इस समय यही अवेलेबल था। और साइड से मैंने वाइट यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास रेड भी कम पड़ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये अच्छा लग रहा है। और मैंने यहाँ पे 18x18 सेंटीमीटर का लिया है ये स्क्वायर और इसको अब हम कट कर लेंगे। और इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। और मेरे पास पड़ी हुई थी ये दो रॉड्स और ये दो सिलेंड्रिकल रॉड्स जो हैं ये भी वेस्ट है। और मैंने रिसेंटली वॉलपेपर्स मंगाए थे तो उनमें ये रॉड्स निकली थी तो मैं इनको भी यूज़ करने वाली हूँ। तो आज का TLM जो होने वाला है एकदम ज़ीरो बजट TLM आपका होने वाला है। ज़ीरो में ज़ीरो तो नहीं क्योंकि आपको चार्ट पेपर और फेविकॉल में तो खर्च ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपका ये TLM बहुत ही लो बजट होने वाला है एंड उतना ही क्यूट उतना ही इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव भी बनने वाला है। एंड ये लीजिए, बातों ही बातों में हमारी रॉड भी फिक्स हो गई है। तो रॉड को मैं उन्हीं जो हमने होल्स बनाए थे उन्हीं के थ्रू हमें इंसर्ट करना है और इस तरीके से हम दोनों रॉड्स को इंसर्ट कर देंगे। और ये रॉड मूवेबल होंगी और इन्हीं रॉड्स का सारा खेल है। और ये मैंने बनाए हैं कुछ पेपर आर्ट, तो इसमें जैसे मैंने लिया है कुछ मैथमेटिक्स के चार्ट्स, कुछ इंग्लिश के चार्ट्स, कुछ हिंदी के चार्ट्स। तो इस तरीके से जो भी आपको लगे कि रेलेवेंट है प्री प्राइमरी किड्स के लिए या प्राइमरी किड्स के लिए तो वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और इसकी जो आपको डायमेंशंस लेनी है वो TV के लिए जो हमने स्क्वायर कट किया था उसके अकॉर्डिंग लेनी है। तो मैंने यहाँ पे उसी मेज़रमेंट से इन पेपर्स को बनाया है। एंड आप चाहे तो डिफरेंट थीम्स पे या डिफरेंट टॉपिक्स पे बना सकते हैं, लेकिन जैसे आप SST का अगर बनाना चाहें तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे वाटर साइकिल हो गया, एटमॉस्फेरिक लेयर्स हो गया, अर्थ्स लेयर हो गया, इस तरीके से आप कई सारे टॉपिक्स पे भी ये बना सकते हैं। मीन्स आप बड़ी क्लासेस के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने प्री प्राइमरी और प्राइमरी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इस तरीके से अब हम 1x1 इन सारे पेपर्स को जिन पे हमने अपने टॉपिक लिखे हैं या अपना जो भी कंटेंट था वो हमने जो लिखा है उसको हम पेस्ट 1x1 कर देंगे एक दूसरे के नीचे। तो इस तरीके से हमारी एक लंबी सी स्ट्राइप बन के रेडी हो जाएगी। और स्ट्राइप के स्टार्टिंग और एंड में हम अलग से ही पेपर ऐड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पेपर हमें चाहिए यहाँ पे पेस्ट करने के लिए इन रॉड्स पे, तो इसीलिए हमको ये एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसी तरह पूरी रॉड पे हम ये रोल बना लेंगे पेपर का और बाद में हम इसे पेस्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा पेपर हमने एंड में लगाया है उसे हम पेस्ट कर देंगे नीचे वाली रॉड पे। और क्योंकि दोनों रॉड मूवेबल हैं तो जैसे जैसे रॉड्स मूव करेंगी वैसे वैसे हमारा ये पेपर कंटेंट भी मूव करेगा। तो जो TV की स्क्रीन पे है आप डिफरेंट कंटेंट को देख पाएंगे। तो कैसे देख पाएंगे और कैसे ये मूव करेगी वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बातों से आपको शायद समझ में ना आए लेकिन जब मैं इसे चलाऊँगी तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देंगे। और क्योंकि मेरे पास ये वाला बॉक्स था तो इस बॉक्स में एक चीज़ अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी पड़ी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए। तो मेरा TLM जल्दी से रेडी हो गया, अदरवाइज़ मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते। और लीजिए, जो एक बेसिक पैटर्न था यानी कि जो एक बेस था वो आपका रेडी हो गया। अब बारी आती है डिटेलिंग की। तो डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पे TV का लुक देने के लिए यहाँ
पे एक सर्कल ऐड किया है, और वो सर्कल जैसे पुराने टीवीज में स्पीकर आपका दिया होता था उस तरीके से मैंने स्पीकर की फॉर्म में उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। एंड ऊपर मैंने ये स्ट्राइप लगा दी है, इसमें भी मैंने छोटे छोटे से डॉट्स बना दिए हैं। और नीचे से अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो सर्कल्स और लिए हैं, एक है वॉल्यूम का और एक है चैनल का। और इसी के साथ मैंने अपने हैंडमेड स्टिकर्स भी लिए हैं। वैसे इन स्टिकर्स का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ये स्टिकर पेस्ट कर दिया क्योंकि तिरम थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए और बच्चों के लिए थोड़ा सा एप्रोप्रिएट लगना चाहिए, क्योंकि प्री प्राइमरी या प्राइमरी के बच्चों की बात करें तो उनको थोड़ी कलरफुल चीज़ें, थोड़ा सा कार्टूनिश चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कार्टूनिश लुक या थोड़ा सा यहाँ पे इसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ये स्टिकर्स भी ऐड कर दिए हैं। एंड इसके बाद हम कर देंगे आउटलाइन जहाँ जहाँ पे भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो हमारा टेलम ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब जो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं वो हम ऐड कर देंगे, और वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करिए चाहे तो इसे एज इट इज़ रखिए। और यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे किड्स टीवी, ताकि और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगने लगे। और इसके बाद मुझे थोड़ा सा ये प्लेन लग रहा था, तो मैंने इसमें जो टीवी का स्क्रीन था उस पर भी आउटलाइन इस तरीके से कर दी थी, डॉटेड आउटलाइन कर दी थी। और इसी तरीके से हमारा टीएलएम बन के हो गया था रेडी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। एंड समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी आप लोग को मिले होंगे या मॉडल्स बनाने को मिले होंगे, तो आप यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कर रहे होंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई मॉडल या प्रोजेक्ट चाहिए हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अकॉर्डिंगली मैं बेहतर से बेहतर प्रोजेक्ट्स या मॉडल्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।